मैं मनीष जैन, सन ऑफ पप्पू कुमार जैन, थोड़ा रायसीन था, बीएससी फर्स्ट ईयर था, छात्र हूँ। मैं आपके सामने पत्र समीक्षा लेकर आया हूँ, उसमें तो त्रुटि हो तो क्षमा करें। सभी तो सादर प्रणाम। सबसे पहले माँ शारदे तो नमन। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जोड़ने पर मैं जनसरोतार मंच थे श्री देवेंद्र जी शर्मा एवं अशोक जी सक्सेना का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब तो भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने पाटिल लेखन मुहिम की पहल तर सराहनीय कार्य किया। इसके अतिरिक्त साहित्य मंच तोड़ाराय सिंह के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है। समाज तो साहित्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर युग में साहित्यकारों के द्वारा साहित्य लिखा जाता है। साहित्य की अनेक विधाएँ होती हैं, जैसे कि खंड काव्य, कहानी, महाकाव्य, नाटक आदि। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी अच्छा व बुरा होता है, साहित्य उसे सच के साथ स्वीकार करता है। लेखक जो भी सोचता है वैसा ही साहित्य में उसकी कलम चलती है। जो सबके हित के लिए हो वही साहित्य है। साहित्य की रचना मानव मस्तिष्क की अनुपम देन है। अच्छे साहित्य का हमारे दैनिक जीवन में वही महत्व है जो एक अच्छे मित्र, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु और अच्छे सहपाठी होता है। साहित्य से लिए संस्कृत में एक दोहा भी है, साहित्य संगीत और थला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अर्थात साहित्य संगीत और थला से हीन पुरुष साक्षात पशु ही हैं, जिसते पूछ और सीन नहीं है। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, परंतु एक नया वातावरण देना भी है। अब मैं आप तो पत्र विदा की ओर ले जा चलता हूँ, जो कि साहित्य का ही एक अंग है। पुराने जमाने में तो कई पत्र लिखे जाते थे, सारा काम पत्रों से ही होता था। लेकिन आज पत्र थेवर कार्यालय कार्यवाही तक ही सीमित रह गए हैं। नई पीढ़ी पत्र के बारे में जानती ही नहीं है। आजकल पत्र लिखे ही नहीं जाते, बल्कि हम एसएमएस करते हैं या कोई भी बात हो फोन पर ही कर लेते हैं, जबकि ये चीज़ें हिस्टाई नहीं है। इन्हें तभी भी हेट किया जा सकता है जबकि पत्र में जो लिखा जाता है वो वर्षों तक हिस्टाई रहता है। और आपने अपने परिवार में देखा होगा, और मैं भी अपने परिवार में देखता हूँ कि हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी आदि पुराने पत्रों को निकाल कर पढ़ते हैं और पुराने पलों को अनुभूत करते हैं। इनमें वो वर्षों तक की यादें संजोतर रखते हैं। पत्र में व्यक्ति तो अपनी बात तो किसी भी व्यक्ति तो थानी होती है, तो साक्षात थाने के बजाय जब वह पत्र लिखता है तो उसमें उसके मन के उद्गार निकलते हैं। पुराने जमाने में पत्र लिखने का ही नहीं, जबकि पत्र प्राप्त करने का भी बेसब्री से इंतजार होता था। पोस्टमैन समाज में सबका चहेता होता था। पत्र तो पात्र बच्चे क्या बूढ़े और जवान भी पाती में लिखी भावनाओं पर मुग्ध हो जाते थे। देखा जाए तो पत्र बहुत अच्छा होता था।
आज नई पीढ़ी ऐसी आ रही है कि उन्हें नहीं तो पत्र के बारे में तुच्छ बताया जाता है और न ही वे पत्र के बारे में जानने तो इच्छुक है, क्योंकि उन्हें पत्र का महत्व ही पता नहीं है। तो अभी भी भगवान तुल्य तुच्छ साहित्यकार ऐसे भी हैं जो इस लतबद्ध विस्मृत हो चुके लेखन तो पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। उनमें से ही एक महान साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी जी, जिन्होंने इस पुनीत कार्य का भार उठाया। वह इतने बड़े कार्यालय पद पर होते हुए भी जहाँ जहाँ भी वो रहे, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने माता पिता, दोरो मित्र, रिश्तेदारों को पत्र लिखे। उन्होंने पत्र लेखन के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि स्वयं सामने रूबरू होकर पत्र लिखने का तरीका व इसका महत्व बताया। बाद में जब बच्चों में पत्र लेखन को लेकर रुचि बढ़ने लगी, तो इन्होंने स्थानीय लेखन, स्थानीय समीक्षा, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएँ करवाई और इन कार्यक्रमों में सभी तो पुरस्कृत भी किया। बड़ों तो भी छोटों तो पत्र लिखने का आह्वान किया। स्थानीय समीक्षा में तो जिन महान साहित्यकारों ने थानियाँ लिखी, उन तो कार्यक्रम में बुलवाकर उनके ही सामने उनकी थानी समीक्षा थी गई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मुझे भी एक थानी समीक्षा करने का अवसर मिला था। ये मुझे पहला मौका मिला था जब मुझे मंच पर बोलने का अवसर मिला था। पहले तो मुझे माइक पर बोलने से भी डर लगता था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा पूरा डर खत्म हो गया। उन्होंने हमारी भावनाओं को पत्र के रूप में लिखवा कर उन्हें एक जगह पुस्तक में संग्रहित किया। पाती अपनों के मुहिम से देश के अनेक लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें हर आयु, हर शहर, कस्बे व गांव के व्यक्ति शामिल हैं। डॉक्टर नेगी जी के सान्निध्य में इस मुहिम पर न केवल अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं का आयोजन, बल्कि चयनित पातियों को पुस्तक का भी रूप दिया गया, जो निम्न है। दोरु की पाती शिष्य के नाम, पिता की पाती संतान के नाम, माँ की पाती बेटी के नाम, शिष्य की पाती दोरु के नाम, संतान की पाती माता पिता के नाम, पाती मित्रों को पत्र पिता के। डॉक्टर नेगी जी ने पत्र लेखन के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएँ भी करवाई। कोरोना काल में जब सभी एकत्र नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ करवाई, जिसमें पत्र लेखन, पत्र समीक्षा, स्थानीय लेखन, निबंध लेखन आदि के साथ साथ पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया। पेंटिंग बनाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैंने पेज पर पेंटिंग बनाई, लेकिन पेंटिंग तो नेगी जी सर ने देखा, तो उन्होंने मुझे उस पेंटिंग तो दीवार पर बनाने तो बुलाया। मैं वहाँ गया तो पहले भी सही भाई और बहनों द्वारा वहाँ दीवार पर पेंटिंग बनाई जा चुकी थी। मैं पहले तो डर गया कि दीवार पर पेंटिंग कैसे बनाऊँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने पेपर पर ही पेंटिंग बनाई थी, तभी दीवार पर नहीं बनाई। उन्होंने साहस बंधाया और मैंने दो दिन में पेंटिंग बना दी। पेंटिंग बनाने में मेरे मित्र लोथेश जैन व रवि कुमार सैनी ने मेरा सहयोग किया। बीच बीच में नेगी जी सर व शिवराज जी सर अवलोकन करते रहे और बनाते। जब पूरी बन गई तो उन्होंने बहुत सम्मानित भी किया। कुछ दिनों बाद न्यूज वालों को बुलाकर सभी पेंटिंग की शूटिंग की और उसे टेलीविज़न पर भी लाया। अब मैं आपको वो पेंटिंग बताने जा रहा हूँ जो मैंने बनाई थी। इसमें पहला दिया हुआ है कोरोना काल को लेकर कि भीड़ में न जाना, घर पर ही बैठकर धर्म ज्ञान करना। दूसरा है बार बार हाथ धोना। तीसरा है इस समय कोरोना काल में सब अपनी ही रक्षा करते हैं, जबकि इस समय थुत था ही हित न होकर मूत प्राणी होता भी सोचे जीव दया
अपनाएं ताकि वे भूखे न रहे और उबला हुआ पानी ही पिए। शाकाहारी अपनाएं, जीवों और प्राणियों की अपेक्षा सभी तरह एक दूसरे की सुरक्षा। इसी पेंटिंग के साथ साथ मैंने एक झोपड़ी भी बनाई जो पेपर से बनाई हुई है। इस तो बनाने में बहुत टाइम भी लगा। ये पेपर तो फोल्डिंग थर से और उसे दोन से चिपटा के फिर ऐसे उस तो चिपटाते हुए और उस ये तैयार किया गया। ये बहुत ही दिनों में बना। इसके बाद में आप तो कुछ और पेंटिंग बनाई हुई है जिन तो बताता हूँ। ये दणेश जी है। इसके बाद अब मैं आप तो जो मेन कार्यक्रम है पत्र समीक्षा उसी ओर ले चलता हूँ। जो पत्र है वो पत्र पिता के एक पुस्तक से लिया गया है। उसमें से दो पत्र जो मुझे बहुत अच्छे लगे उनकी मैं आपके सामने समीक्षा कर रहा हूँ। पहला पत्र जोधपुर के रहने वाले श्री बसंती पंवार जी का है। उन्होंने बच्चे के नाम पत्र लिखा। उस पत्र ने मेरे मन को छू लिया और ऐसा लगता है कि वो पत्र वो बस बसंती पंवार जी की आवाज़ नहीं बल्कि दुनिया के हर एक पिता की आवाज़ हो। उन्होंने आधुनिकता के दौर में भी पत्र लेखन का महत्व बताते हुए रिश्तों को निभाने की अपील की है। जीवन तो आत्मविश्वास व सत्य के साथ जीने तो था है। उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति आत्मविश्वास से जीना सीख जाए तो विनम्रता शालीनता एवं शिष्टता के साथ साथ वह विपरीत विचारधाराओं वाले व्यक्ति के प्रति भी सम्मान का भाव रखने में समर्थ हो जाएगा। आजकल हम संस्कारों तो भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने संस्कारों के बारे में बात सही है। कहा तो जाता है थी धर्म पर विश्वास करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन आजकल ये कहावत सत्य नहीं हो रही क्योंकि हम धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। तो उन्होंने धर्म पर विश्वास करने पर जोर दिया है। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल स्थितियां आ जाए लेकिन हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आखिर में सत्य की ही जीत होती है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा तुच्छ नहीं मिलता। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रशंसा और निंदा को बराबर समझना चाहिए। समय बड़ा बलवान है तब बदल जाए तुच्छ भी पता नहीं है। समय के एक एक पल से महत्व को समझना उसे बेकार नहीं होने देना चाहिए। जीवन में सब तुच्छ परिवर्तनशील है। तुच्छ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ न चल पाए तो फिसड़ जाएंगे। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता चला जाएगा। यदि हम हार का सामना करना पड़े उस समय भी हमें दृढ़ और गौरवान्वित रहना चाहिए और यदि जीत हासिल हो तो सौम्य और नम्र बने रहना चाहिए। आज युवाओं का चरित्र दृढ़ता जा रहा है। बहुत से कठिन कार्य युक्ति आदि तो आसानी से हल किए जा सकते हैं। धन का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। मगर घर परिवार रिश्ते इसके बिना भी जीवन तो जीवन नहीं था जा सकता। हर रिश्ते की अपनी अपनी धरिमा होती है। इसका महत्व होता है मर्यादाएं है थोड़ी भी थीसी से थम नहीं है। अतः सभी रिश्तों के साथ सामंजस्य बनाकर सभी के साथ न्याय करना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई की
तहत तक अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि रिश्ते बिगड़ जाए तो उन्हें वापस बनाना बहुत कठिन होता है। अब मैं दूसरा पत्र जो दुरुतराम के रहने वाले श्रीमती लाडो थटारिया जी द्वारा उनके प्रिय पुत्र तो लिखा गया है। लाडो थटारिया जी का हमारे तोड़ा में भी आगमन हो चुका है। मैं उनकी समीक्षा उनके पत्र की समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने अपने बेटे तो 70-80 के दशक तो याद दिलाते हुए उससे अमेरिका जाते समय से पलों तो याद दिलाया है और बताया है कि किस प्रकार जब कोई दूर यात्रा करता है तो उससे वहाँ ठीक से पहुँचने तथ्य समाचार मिलने का इंतजार रहता है। वो विदेश में पढ़ने इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ के अफसरों और नेताओं ने पुत्र तो नौकरी से लिए बहुत सत्तर थटवाए, फिर भी उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी। आखिर विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई की और फीस भी माफ़ हो गई। अब उसका सिलेक्शन बहुत अच्छी कंपनी में हो गया था। अब उसने वही अच्छा सा मकान बना लिया था। गर्मियों में पिता पुत्र के पास और सर्दियों में पुत्र पिता के पास आ जाता था। इस प्रकार वे खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसा कि विदित है कि पंजाब के लोग एक दूसरे से बात करते समय बहुत ही सम्मान देते हैं, उसी प्रकार इस पत्र में भी पिता ने अपने पुत्र को शेर, इंडिया का शेरू आदि नामों से संबोधित किया है। ये नाम सुनकर हर किसी के मन में थोन थोलने लगता है। उन्होंने कहा कि जब अपने हाथों से अपनों के लिए छत्र लिखते थे तो लिखने वाले तो उस छत्र रूपी दर्पण में उस व्यक्ति और रिश्ते विशेष का चेहरा और चरित्र हूबहू दिखाई देता था और जो छत्र तैयार होता था वह उसके लिए भगवान से संदेश से समान होता था तथा वे मोती जड़े शब्द धरने के रूप में दोनों के लिए एक धरोहर बन जाते थे। पुत्र की एमटेक पूरी होने के पश्चात वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पहली बार नौकरी के लिए साक्षात्कार देने गया। मैं भी पुत्र के मना करने पर भी साथ ही गया। वहाँ वो दोनों समय से आधे घंटे पहले पहुँच गए थे, फिर भी साक्षात्कार टीम और मैनेजर पहुँचे। वो आते ही चाय पीने बैठ गए, फिर राउंड पर निकल गए, बाद में मीटिंग में चले गए। चपरासी से पूछने पर थोड़ी देर इंतजार करने का जवाब मिलता रहा। आखिर इंतजार की भी हद होती है, ऐसी व्यवस्था आज भी है। इन मैनेजर लोग तो क्या पता कि कोई बार है तो उसका समय बर्बाद करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया। आखिर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर बेटे ने विदेश से एमटेक करके अच्छी कंपनी में जॉब की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। अब मैं आपको कुछ बची हुई पेंटिंग भी बताना चाहता हूँ जो मेरे द्वारा कोरोना टाइम में बनाई गई। इन्हें बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं हुई, बस ये दायरा चित्र है जो मैंने एक साल पहले बनाया था। अब कोरोना को हराने के लिए एक पत्र लिखा गया था जो मैंने मेरे गुरुजी से लिखा। प्रिय गुरुजी, सादर प्रणाम। आप तो ये जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ सतुशल हूँ। मैं और मेरे परिवार में मैं अभी तक थोड़ी भी कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ और आशा करता हूँ कि आप भी वह आपके पूरे परिवार के साथ
सतुशल होंगे। अब कोरोना की शुरुआत यहाँ पर हुई तो हमारी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और परीक्षाएं स्थगित कर दी। मेरा भी एक गणित का पेपर शेष रह गया था। फिर आपने डिजिटल लर्निंग ग्रुप बनाया, उसमें मुझे भी जोड़ा। आप उसमें निरंतर स्माइल पेपर और बचे हुए पेपर संबंधित जानकारी देते रहे। आप हमेशा जो भी इस महामारी से बचने के उपाय बताते थे, मैं सभी उपायों को पूरा करता रहा। मैं प्रातः उठकर 1 घंटा योगा भी करता हूँ, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। मैंने लॉकडाउन में पूरे समय घर पर ही रहकर अध्ययन किया। कोरोना से पहले मैं रोज़ मंदिर भी जाता था, लेकिन बाद में घर पर ही रहकर ही भगवान का ध्यान किया तथा सभी घर वालों पर भी पूजा पाठ करे, जिसका परिणाम ये हुआ कि घर ही मंदिर के समान बन गया। अब घर पर रहने की इतनी अच्छी आदत हो गई कि बिना जरूरी काम के बाहर जाने की नहीं आती, और जब भी बाहर जाना ही पड़े तो हमेशा मास्क लगाए रखता हूँ। बाजार जाने से पहले सैनिटाइजर और वापस आते सर भी सैनिटाइजर करता हूँ। सर जी, आजकल के ये लोग भी कितने महामूर्ख है ना जाने, जो इस समय भी साथ दिया कर रहे हैं और कई लोगों को दावत भी दे रहे हैं। मेरे भी 3-4 जदों से न्योता आया, लेकिन मैं एक जद भी नहीं गया। जिंदा रहे तो रिश्ता तो बाद में भी निभा लेंगे, पहले तो जान प्यारी है, कहाँ भी गया है, जान है तो जहान है। अब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाएँ प्रारंभ कर दी। इसके लिए मुझे एक बुद्धि आवश्यकता पड़ी, जो भी आपके बताए अनुसार मैंने ऑनलाइन ही मंगवा ली। अब मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। प्रवेश परीक्षा संबंधित सभी फार्म मैं घर पर ही भर लेता हूँ। घर से बाहर बनी हुई मिठाइयाँ छचोरी जैसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। अब बारिश के दिन प्रारंभ हो गए, मैंने लॉकडाउन में ही सीड बॉल बनाकर तैयार कर ली थी, जिसमें से अब पौधे बनने लग गए। अब उन्हें घर के आसपास पड़ोस में और सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ भी भीड़ था वो वार लगाया और वे अब लगभग उग गए। अब विदेशी चीज़ों का उपयोग मैंने पूर्णतः बंद कर दिया। लॉकडाउन में मैंने घर पर ही गाय के घी, गोबर, दूधल, कपूर, नाली तेल आदि को मिलाकर अगरबत्तियाँ बनाई, जो स्वदेशी भी है और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मेरे फ़ोन में 2 चाइनीज ऐप थे, उनको भी मैंने सरकार की गाइडलाइन आते ही तुरंत बंद कर दिए। सरकार जो भी नियम बनाती है, वे बड़े सोच समझ कर व जनता के हितों के लिए ही बनाती है, इसलिए मैं सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों का पूर्णता से पालन करता हूँ। मेरा सरकार से थरबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता निरक्षर ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई लोग इसका मजाक समझ रहे हैं। आए दिन अखबारों न्यूज़ में आती है कि कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। फिलहाल जो शादियों के बारे में न्यूज आ रही है, सरकार के नियमों के विरुद्ध ही है। सरकार जो चाहती है कि भारत की जनता का सब काम हो सके, लेकिन जनता मानती ही नहीं है। सरकार ने जिस प्रकार मृत्यु बोझ को बंद करके बहुत अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से शादियों बाहर फालतू आगमनों पर पुनः रोक लगा देनी चाहिए, और जो नियमों का उल्लंघन करता दिखे उसके साथ भयंकर कार्यवाही की जानी चाहिए। मंदिरों तो अभी तक बंद ही रखा जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि कोरोना के प्रति ऐसी मानसिकता बनाए जिससे वो ही इससे डरने लग जाए, जैसे विदेशों में होता है। कई व्यक्ति के बिना मास्क ही बाजार में घूमते रहते हैं, जब कोई पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो 200-500 रुपये की रिश्वत देकर छूट जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि ऐसे लोगों के लिए सरकार तो एक राशि निर्धारित कर लेनी चाहिए
और उस राशि से उन्हें एडमास्टर दे देना चाहिए। जब लौटो तो पता चलेगा कि 10 रुपये का मास्क उन्होंने 1000 रुपये का खरीदा, तो वे अगली बार स्वतः ही मास्टर का सदुपयोग करना छीन जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं जिन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड किया, श्री राजेंद्र जी सर, श्री दिगंबर जैन, सन्मति सागर स्थल थोड़ा सिंह, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम दिया। और पाती अपनों के नाम मुहिम में जो जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी तो बहुत बहुत धन्यवाद।